अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नंबर है 12.14। राइट प्रोग्राम इनपुट नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल और डैड नंबर यूजिंग डू वैल्यू। आपने एक नंबर इनपुट करना है और उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है डू वैल्यू की मदद से। डू वैल्यू एक आपको मैंने बताया हुआ है कि फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का आपको तीन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो काउंटर वेरिएबल है जिसने लूप चलानी है, एक वो फैक्टोरियल जिसके अंदर हमारा फैक्टोरियल स्टोर होना है, और इसके बाद एक नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। और इसमें सी और एफ को हमेशा वन वैल्यू आपने देनी है। तो यहाँ आप नंबर इंटर करेंगे, इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इंटर कर सकते हैं। स्कैन ऐप से पर्सन डी एंड नंबर आपने फर्स्ट करें इंटर किया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल आपको ऐसे बनेगा 1 × 2, 3, 4 और 5। इन सबको मल्टीप्लाई करें, 5, 4, 20, 20, 3, 60, 60, 2, 120, ये इसका फैक्टोरियल बनता है। डू से है, डू वाई लूप से है, तो डू लगाएं। और इसके अंदर फैक्टोरियल का फार्मूला है f इक्वल टू f मल्टीप्लाई c। ये आपका फैक्टोरियल का फार्मूला बनता है। और सी को इंक्रीज करते हैं जाए हर दफ़ा एक एक वैल्यू। और यहाँ वाइल के अंदर जो कंडीशन आएगी वो आएगी सी लेस देन इक्वल टू वो नंबर जो आपने इंटर किया, वहाँ तक ये सी जाएगा। और यहाँ आपने लूप से बाहर निकल के जब ये कंडीशन आपकी फाल्स हो जाएगी तो उसको डिस्प्ले फैक्टोरी को करवाना है। फैक्टोरियल इज पसंदी एफ, फैक्टोरियल के लिए जो वेरिएबल है वो हमारे पास एफ, तो इधर एफ हम लगाएंगे आर्ग्यूमेंट में। गेट अब ये प्रोग्राम की वर्किंग कैसे है, सी की वैल्यू 1 है, एफ की 1 है और नंबर आपने इंटर किया है, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन इधर 5 मैंने एक फर्स्ट किया नंबर, यही मैंने इंटर किया है। तो एफ की वैल्यू है 1, यह हमारा 1 है, सी भी 1 है, तो 1 × 1 1। पहले स्टेप पे एफ की वैल्यू क्या होगी है 1, उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब 1 से अब 2 होगी, 2 चेक हुआ एन से, एन 5 हमारा सी, सी आपका 2 है, वो 5 से कंपेयर हुआ, लेस है तो लेस हुआ तो कंडीशन ठीक होगी और दोबारा आप लूप में आ गए। अब आपकी यहाँ एफ वैल्यू 1 है और सी आपकी 2 है, तो एफ 1 है, सी आपकी 2 है, 2 1 2। अब आपका एफ जो है वो 2 हो गया टोटल, दोनों मल्टीप्लाई होकर जो एफ की वैल्यू आप 2 होगी। अब आगे सी की वैल्यू 3 होगी, 3 कंपेयर होगा 5 से, ठीक है छोटा होता है, तो दोबारा आप उधर चले गए। अब एफ की आपकी 2 है और वो आपकी होगी सी की 3, 3 2
सिक्स है, ठीक है। जैसे ये पहले था 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6, ठीक है। यहाँ तक जो फैक्टोरियल है वो आपका 6 बन चुका है। उसके बाद ये 4 हो गया, 4 चेक हुआ 5 से, तो वो भी ठीक है, कंडीशन फिर ठीक है। तो अब आपका सी 4 है और वो आपका फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल आपका 6 है, एफ की वैल्यू 6 है और सी आपका 4 है, तो 6 मल्टीप्लाई 4 यहाँ तक आपका 24 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, एफ आपका 24 हो गया। और उसके बाद ये 5 हो गया, सी आपका 4 के बाद 5 हो गया। 5 जब हुआ तो 5 कंपेयर हुआ 5 से, तो वो लेस तो नहीं लेकर इक्वल है, तो 5 आपकी वैल्यू आप है सी, तो सी की वैल्यू 5 है और वो आपकी है 24 है, तो 5 मल्टीप्लाई 24 होता है 120, 100, ये टोटल आपका 120 बन गया फैक्टोरियल। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, पहले 5 था अब ये 6 हो गया, तो 6 बड़ा हो गया 5 से, तो ये कहीं फाज होगी, तो ये फैक्टोरियल की जो वैल्यू ये 120 बनी है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये आपका इसका आउटपुट है। अब कोई भी नंबर आप इंटर करके उसका फैक्टोरियल फाइंड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ के इसको सॉल्व करें। तो अब मैं कहता हूँ कि आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से आप ले लें जी 9 ले लें और इसका फैक्टोरियल फाइंड करें, तो आप इजीली उसका फैक्टोरियल आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने वो नंबर इंटर करो, फार्मूला इसका यही है फैक्टोरियल का, और आपने उस नंबर को सी से उस नंबर को कंपेयर करना है और उसको आपने सॉल्व करना है।